और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी पहाड़ी डिश दिखाऊंगा ना जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। इसको बाड़ी कहते हैं जो कि मेरी दादी ने बनाई है। ये भाई जब भी मेरे को मिलता है ना गुच्छिया दिखाता ही दिखाता है मेरे को। वैसे गाइस हमारी साइड इसको डुंगलू बोलते हैं लोकल में। इसका मेडिसिनल यूज होता है ना, दवाइयों के काम आता है। इतनी सारी मिली है दादी जी को, एक हमें भी मिली है छोटी सी दादी जी। ये भी कर देते हैं हम आपको ऐड। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत सारे लोग पिछले ब्लॉग में कमेंट कर रहे हैं कि भाई हेयर स्टाइल खराब कर दिया। पता है मेरे को खराब कर दिया ये, और इसका जिम्मेदार मेरा भाई है, बड़ा भाई। क्योंकि वो मेरे को नाई की शॉप में ले गया, उसने मेरे को बोला कि छोटे करवा दे बाल, थोड़े अच्छा लगेगा तू बहुत। तो मैंने सोचा अगर भाई बोल रहा है कि छोटे बाल करा दे तो शायद मैं सच में अच्छा लगूंगा छोटे बालों में। और जैसे ही मैंने छोटे बाल करा दिए फिर मैं कुछ ऐसा लगने लग गया। खैर जो हो गया वो तो हो गया। ये देखो मौसम बिल्कुल ही खराब है, बाहर बादल ही बादल है चारों ओर, और अभी तक बारिश हो रही थी, बस थोड़ी देर पहले बारिश होना बंद हुई है। दोस्तों मैं अभी तक सोया हुआ था, भाई जी आए मेरे पास, उसने मेरे रजाई कंबल फेंक दी और बोला कि फटाफट उठ, दादी जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो उनके लिए दवाई ले जाए यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ एक गाँव जिसका नाम है तित्री, वहाँ पे मेरे दादी रहते हैं। तो बस अभी खाना खाते हैं और निकलते हैं। चलो ये बढ़िया है, आग के पास बैठेंगे गाइस अब थोड़ी देर जब तक बारिश रुकती नहीं है। ब्रेकफास्ट में है पराठा, वो भी आधा, क्योंकि मैं पूरा खा नहीं पाऊंगा अभी ना, सुबह सुबह मेरे से ज्यादा खाया नहीं जाता। और ये दूध है जिसमें बॉर्नविटा मिलाया हुआ है। तो गाइस फाइनली खाना खा लिया है, और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये वही है जिनका दिन मेरे को गाली दिए बगैर नहीं बीतता। हेलो, और तारीफ कर, इतनी है काफी आपकी? नहीं और कर। अब देखो मैं करूंगा इसके साथ प्रैंक, देखता हूँ इसे ले पाता है या नहीं। पकड़ ही लिया इसने। गुनू गुनू गुनू, तेरे को पता है कितना फेमस है तू, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं तेरा नाम। लग तो रहा है अब बारिश तो रुक गई है ना, बट कभी भी फिर से बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन आज मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मेरे को जाना ही पड़ेगा। अभी मैं फटाफट निकलता हूँ, आगे मैं अम्ब्रेला ले लूंगा शॉप पे। यहाँ देखो आज कीचड़ ही कीचड़ है हर जगह भाई। ये मिल गया गाइस, बारिश फिर से लग गई है बहुत ही घमासान वाली। पर गुन्नू भी मेरे साथ ही चल रहा है ना। गुन्नू चलेगा ना तू? चल फिर। आज का हमारा जो ये सफर है ये बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा होने वाला है, क्योंकि बरसात के टाइम में ना लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। पर मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी संजय चौहान आपके साथ, तो चलो खतरों से खेलते हैं आज। ओ भाई डर लग रहा है यहाँ पे देख के। आज एक तो मैं शूज भी ऐसे लाया हूँ ना, ये फिसले वाले शूज हैं। यहाँ देखो गुन्नू मेरे साथ है बिल्कुल, देखो कितना वफादार है ये, मेरे पीछे पीछे आ जाएगा जहाँ मैं जाऊँगा, भले ही कितना ही खतरा हो, है ना। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या मिला मेरे को, ब्रास के फूल का पेड़ है ये, ये होता है ब्रास का फूल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज, मतलब मेरी मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो हिमाचल से ही है, उनको तो पता होगा, पर मेरी मिनिमम वाली ऑडियंस के लिए बताता हूँ। ये जो ब्रास का फूल होता है ना, इसकी चटनी बनती है, इसका जूस बनता है, जूस मेरा फेवरेट होता है, बहुत टेस्टी होता है। और इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी खा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने तोड़ दिया। इसको बस थोड़ा सा साफ करना होता है, साफ मैं कर चुका हूँ इसको कुछ इस तरह से, और ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं टेस्ट में। एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि मैं और गुन्नू दो ही नहीं जा रहे इस ट्रैक में, मेरे चाचू का बेटा भी मिलेगा आगे हमें, तो वो भी हमारे साथ ही चलेगा। देखो दोस्तों गांव की महिलाएं ऐसे मौसम में भी कितनी मेहनत कर रही हैं, घास लेके जा रही हैं गाय के लिए, तो भाई कमेंडेबल है। चल चल गुन्नू चल। ओए तो यहाँ देखो गाइस मेरा वेट कर रहा है, छाता छूता फेंक दिया इसने, ऐसे ही बैठा है। हाँ छोड़ू ठीक है तू। हाय गाइस, इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं गाइस, ये ढक्कनों का ढक्कन महाढक्कन निशु चौहान। तो ये बोल रहा था मेरे को फोन पे कोई चीज दिखाएगा ये मेरे को जैसे ही मैं पहुंचूंगा, पता नहीं कौन सी चीज है वो। गुच्छियां दिया, गुच्छियां मिली यहाँ देख। ओ भाई ये तो गाइस मेरे को एक गुच्छी मिलती हुई इसी के साथ। ये भाई जब भी मेरे को मिलता है ना गुच्छियां दिखाता ही दिखाता है मेरे को। यहाँ देखो कितनी बड़ी है, आजकल ये गुच्छियों बहुत ज्यादा मिलती है ना। यही तो है गुच्छियों का सीजन। वैसे गाइस हमारी साइड इसको डुंगलू बोलते हैं लोकल में, आप बताओ आपके साइड क्या बोलते हैं इसको? कुछ तो बोलते होंगे। इसका मेडिसिनल यूज होता है ना, दवाइयों के काम आता है, इसलिए काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। तेरे को पता है इसका प्राइस? नहीं ये नहीं मेरे को पता। अब जैसे फिल्मों में होता है ना, अब मैं अपने डॉगी को सूंघाऊंगा इसे, फिर ये इसको सूंघ कर इसी की तरह और ढूंढेगा। गुनू ले सूंघ इसको, ढूंढ अब इसको, ढूंढ ढूंढ गुनू ढूंढ। वो ये खा रहा है इसको, तू नहीं है किसी काम का, तू हट ही जा, कुत्ता कम गधा ज्यादा है, तू हट।
चलो गाइज, अभी सफर काफी लंबा है, अभी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, सांस फूलने लग जाती है, बट एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही है तो हम इजीली चल लेंगे अभी। गाइज अब मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा ना, सहन नहीं हो रही मेरे से। अब मैं इसको थोड़ा हाथ में उठाऊंगा, डेविल संजय, रूलर ऑफ द पाताल लोक। गाइज जिन्होंने मेरा दादी वाला ब्लॉग पहले भी देखा है ना, तो उनको ये वाला घर तो याद ही होगा, रास्ते में पड़ता था। ये बहुत ज्यादा पुराना घर है, जो हम मेरे को कुछ टाइम पहले नीचे मिली थी ना, गांव की औरतें जो घास उठा रही थी उनका घर है, पर अब उन्होंने छोड़ दिया है ये, अब उन्होंने नया घर बनाया। ये बहुत ही ज्यादा पुराना था, उनके पूर्वजों ने बनाया ये, तो यहाँ से बस थोड़ा सा रह जाता है अब दादी का घर। सेबों का सीजन आने वाला है हिमाचल में, अंधा पैसा आने वाला है लोगों के पास। बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद फाइनली पहुंच गए हम, लगभग 3 घंटा चले हम इस बरसात के मौसम में। बुरे हाल हो गए यार। लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि ये वाला घर जो है हाउसफुल वाले घर की तरह दिखता है, पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया था, बट अब मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो वैसा लगता है ना। यहाँ देखो दोस्तों, आग जला के रखी है पर दादी जी नहीं है। फोन कर दादी जी को। भाई मेरी तो बस हो गई है ना, अब बस यहाँ पे लेटना चाहता हूँ मैं, इतना ज्यादा तो आज तक नहीं थका मैं कभी यार। गुनु 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 गुनु, ओए कीचड़ है तेरे में, पर जा। देखो इसको भाई, शांति नहीं है। निशु ग्लास लेके आ अंदर से, बाहर है। ओए अच्छा यहाँ है। थैंक्स यार छोटे भाई, अमृत लगा भाई आज ये पानी। नमस्ते दादी, और ठीक है आप? बढ़िया। वो दवाई दिखा रहा इसमें होनी, यहाँ देखो भाई इसको पीठी में लगी, पीठ में पहाड़ी में लग गया था, वो पीठ हो गई है गिल्ली इसकी ना, तब सेक रहा है सुखा रहा है अपनी पीठ। गलत कभी गाना दादा, गलत करनी नतीजा गलत में जाता है। सच्चाई बरतनी आदमी ने, इसमें फायदा होता है सच्चाई में ना, धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी। ये करता है जी धोखाधड़ी। ओए किसके साथ की मैंने धोखाधड़ी? ये आपको ये बताता है, आपको बताता है स्वामी आके। नहीं नहीं दादी जी चाय नहीं पीनी। तो अभी दादी जी को भी मतलब रैंडमली ऐसे हमारे खेतों में मिलती रहती हैं ऐसी ये गुच्छियां, तो अभी दादी जी मेरे को दिखाएगी कि कितनी गुच्छियां हैं उनके पास। तो हम सम्मानित करने जा रहे हैं श्रीमती कमला देवी को गुच्छियों से। इधर मोड़ो, इधर उधर, ये हम सम्मानित कर रहे हैं हमारी गुच्छियों से। देखो जब ये नई नई मिलती है ना, फ्रेश जब होती है तब ऐसी होती है, जब ये सूख जाती है तो ऐसी होती है। जब इनको बेचते है किस काम आती है? सब कुछ काम आती है, दवाई दवाई के काम, दवाई के काम आती है, दवाई भी था और खाते भी बड़े बड़े लोग सब्जी बना के। मैं तो एक गुच्छी को देख के खुश हो रहा था यहाँ, मेरे को पता ही था इतनी सारी है दादी जी के पास। आधे किलो से ज्यादा ज्यादा है दादी जी, आधे किलो होगी ये इनकी, हारे बनाई है धागे से, हारे बनाई है इनकी, इस तरह रखते हैं इनको सूखने ना। चल रख फिर इसको इसमें थैली में डाल। तो गाइस ये मैंने आपको एक नई चीज दिखा दी, ये रह गया था दीजी बाहर, ये क्या है सूखने को रखना, अच्छा सूखने के बाद। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग मेरी प्यारी दादी के साथ और मेरे ढक्कन से कजन के साथ। लोगो को पता है मजाक है, सिर्फ मजाक पर सच है। तो दादी जी बोलो लोगों को, बोलो शक्कर पारा करे, क्या बोलो, क्या करे शक्कर पारा, क्या शक्कर पारा। आपसे मिलते हैं बोलो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुंह बहना एकदम बहना, अगली वीडियो में मुलाकात होगी ऐसा। फिर से बोलो दोस्तों। अभी दादी जी ने बोला हमें लकड़ियां काटने को, तो चलो काटते हैं भाई। और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी पहाड़ी डिश दिखाऊंगा ना, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे बैठ के खाऊंगा, व्यू का मजा लेते लेते उसको। और आपने वो देखी नहीं होगी ना, आपने सुनी होगी, बट मैं बताऊंगा कि वो बनी किस चीज की होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है यार। तो गाइस ये वो डिश जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक पहाड़ी डिश होती है जो कि मेरी दादी ने बनाई है, इसको बाड़ी कहते हैं। इसमें बीच में घी होता है। और ये साइड वाला किस चीज से बना होता है दादी? चलो खा के देखते हैं कैसा है। ये पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों, कभी धूप लग रही है फिर एकदम से बारिश हो रही है। इसको साइड से कुछ इस तरह से तोड़ते हैं, ठीक है, फिर इसको घी में डुबोते हैं, फिर इसको खाते हैं।
एकदम लाजवाब भाई। यहाँ देखो भाई मजे हैं इसके भी जिंदगी के। पूरा दिन बारिश थी, अब जाके धूप लग रही है यहाँ। तो ये था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय बाय करदा जी।